यात्रा जीत सिंह जिनकी रानी का नाम आत्म देवी, चौथा पढ़ा जाता है लेकिन रानी की कोई संतान नहीं होती है। जब भी रानी एकांत महसूस करती पुत्र वियोग में महल के किसी कोने में बैठ करके आंसू बहाने लग जाती। एक रोज रानी आत्मदेवी पुत्र वियोग में रो रही है और उनका मंत्री रानी के पास से पहुंचता है, देखता है कि रानी आत्मदेवी की आंखों में आज आंसू हैं। रोने का कारण पूछता है, यहां से आपके सामने सांग शुरू, सांग होगा आपका फरमाइश का नौ बहार धर्म देवी। सांग सम्राट, वो पत्थर के सन में तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाला, बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या समझा ये क्या जाना, पत्थर के सन में तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाला। भूमि पवित्र आत्मा की शुद्धि के लिए जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोल ये शंकर भगवान की जय हो, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलिए दादी खिमज माता की जय हो, बोलिए श्री गौ माता की जय हो। मास्टर जी राम राम। राम राम भाई राम राम। मास्टर जी जय में है, जो आज थोड़ा बहुत फर्क पड़ा बिचरा क्यों सो दो तो एक बार सभी मिलकर चाय बोलेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो, बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय हो, और बोलो धर्मसांड की जय हो। अरे ताराचंद जी, धर्मसांड का मतलब क्या है आप समझे नहीं? बाजे जी, धर्मसांड वो है हाँ जो चटपट का दान करे। दो धर्म में, गौशाला में, धर्मशाला में, पाठशाला में हाँ। चढ़ बढ़ करके दान करे वो धर्मसांड, वो धर्मसांड नहीं तो फिर बावली पूछ। जो धर्म नहीं कर वो बावली पूछ। कोई पिटेगा तो नहीं? पिटा तो जिद खान जो पिटा जानी बात करूंगा। अच्छा बैठ जा। तो सभी आज ये दूसरा सांग है भाई, मिलजुल कर जोटा मारो, गौ माता की सेवा करियो, भारत के नर नारी दूध पिलावा हर जुतवा फिर भी दुखी बिचारी। तो सर्वप्रथम बोणी माता सबकी दाता, सब खड़ी हो जाओ। बढ़िया सा कोई चमोला है तो ले आओ, ले आओ सांग शुरू कर दे। ले आओ भाई चमोला ले आओ, मारा भी जी लगेगा। और बता रहे थे ना एर मन ही मन में सोच क्या मंत्री घर चाल के महारानी धोर पहुंच गया। मैंने कहा महारानी जी जय प्रणाम। हाँ प्रणाम प्यारे मंत्री के। महारानी जी आपकी आंखों में आंसू? मंत्री के मैं रोज आता था तो आप हंसी खुशी से मिला करती थी। बात ही कुछ ऐसी है आज जो आपका चेहरा उदास आपको नहीं बता सकते। आप क्या कहना चाहते हो साहब? सबको होना हे जी हो, ये रख
दुख की तो चोट लागरी मेरे हो दुख की तो चोट लागरी मेरे पता कौन सा तेरे मलाल से राई मल भारा कर दी काल से राड़े ओ हो सच बता के हाल से राड़ी आए मल भारा कर दी काल से राड़ी ए रमन सक तो अमर रहे ना काया चली जा छाया हेलो वृक्ष की बेल चली जा छाया झूठा मो माया का हो जी हो झूठा मो माया का जान से रानी ए मन भारा कर दी ख्याल से राड़े साच बता के हाल से राड़ी ए मन भारा कर दी ख्याल से राड़ी बूंद के इराज पाट का सुखे सब क्या है ते रुख बदल की सब क्या है ते रुख बतकुड़ सा दुख ओ ओ बतकुड़ सा दुख फिल हाल से रहाई अरे मन भारा कर दी हाय हाय मिलेगा लिखा भाग में जितना तेरा क्यों इतना जी ओ तेरा क्यों इतना जी काल से कितना मिलेगा लिखा भाग में जितना तेरा क्यों इतना जी काल से रानी रे मन भारा कर री के ख्याल से रानी महारण जी मैं आपका मंत्री हूँ मेरे को भी कुछ पता लगना चाहिए कि महारण जी किस दुख मरोरी मंत्री के हाँ कहो इतने बताने की बात कौन है तो क्या आदेश है आपके मंत्री के का क्या मतलब मंत्री कहो क्या आदेश है आपका आप आदेश करो मेरे को आप तो ऐसा करो कहो मेरा एक कैन पुगा दो एक नहीं आप दो कहोगी दो कहूंगा आप अभी और इसी वक्त महाराज के पास में जाओ और महाराज से जाकर के ये कह दो कि आपकी रानी साहिबा सख्त बीमार है और बचानी हो तो बचा लो वरना बेड़ा पार है ठीक है महाराज जी और ये 50 रुपए हमारे काका जी हजारी लाल जी जावा इनका बड़ा आशीर्वाद है बेड़े पर ये 300-300 किलोमीटर सांग देखने के लिए चले जाते हैं अब यारदेव ए रमन मैं करा विचार मंत्री वहां से जान के पहुंचा राजा के दरबार मैंने कहा महाराज जय प्रणाम जय प्रणाम जय प्रणाम आओ मंत्री कैसे आना हुआ महाराज आने का कारण बहुत लंबा चौड़ा है क्या कारण है मंत्री रानी आत्मदेह की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है
रानी आत्म देवी बीमार है। हाँ महाराज बहुत सख्त बीमार है। फिर तुम मेरे पास में आए हो, राज वैद्य को लाना चाहिए। मैंने ये सोचा कि पता नहीं राजा साहब कौन से डॉक्टर को बुलाए, राज वैद्य को बुला करके लाऊं। ठीक है तुम जल्दी करो और हमारे राज वैद्य को लेकर के आओ, जब तक हम चलते हैं सेवा चलो कोई फर्क नहीं पड़े दिल्ली में। हेलो मन ही मन में सोच क्या मंत्री वहां से चाल के डॉक्टर धोर पहुंच गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब। अरे कौन बोलता भाई? ये राजा का मंत्री है। मंत्री हो? हाँ जी। आप हमारे पास में इस समय आने का कारण? रानी आत्मदेव की तबीयत बिल्कुल खराब है, ज्यादा खराब। हाँ तो चलना पड़ेगा। अभी चलो मेरे साथ में आ। चलो डॉक्टर साहब। दिल ही दिल में सोच के डॉक्टर अपना झोला झंडी लेके दरबार बीच में पहुंच गया। मैंने कहा जय प्रणाम महाराज साहब। जय प्रणाम। आओ वैद्यराज। हाँ जी। देखो आज हमारी रानी आत्म देवी, इनकी तबीयत खराब है महाराज। कितने दिन से खराब है? आज ही हुई है। बड़ी जल्दीबाजी करी। ये कोई जल्दबाजी इंसान जबरदस्ती करता है? अच्छा। तो फिर मैं इसको चेक करता हूँ। हाँ पहले नाड़ी चेक करता हूँ, उसके बाद में इलाज चलेगा। अरे वैद्यराज ये तो पैर है रानी का। है तो शरीर के अंदर ही, शरीर से बाहर तो नहीं है ना। है तो शरीर में ही। डॉक्टर कहीं से भी चेक कर सकते हैं, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से। डॉक्टर हूं। अरे राम जी बैजी ये क्या कर रहे हो? ये इंजेक्शन का मुंह धो रहा हूं। इंजेक्शन? हाँ। क्यों? काले एक भैंस के लगाए। मतलब भैंस वाई रानी को कहने बेरो पाठे महाराज कहे कहे किम्मी दे दो चाहे के फर्क पड़े, साफ सुथरो होना चाहिए। ए इधर आओ। हाँ डॉक्टर साहब बोलो। ये बताओ कौन सी जगह करोट दिवा? आप बताओ किस साइड दिलाऊं? अरे इस करोट पे लगाऊंगा। कहाँ लगवाए? यहाँ लगवा लो। अरे यहाँ पहले लग रही, यहाँ तो फिर इसको पर लगाओ। ये आ जाओ डॉक्टर साहब, यहाँ आ जाओ। तन्ने भी को नहीं बेरो मोदू। ओहो इसके परसों लगी थी दूसरी के। ये बात। हाँ। चलो मैं अपने हिसाब किताब से लगाऊंगा। कहाँ लगाओगे? एक बीच में लगाऊंगा। बदतमीज डॉक्टर, हाथ के लगा दो। ठीक है तो। महाराज राम राम। मैं चालू दुकान पर जा रहा हूँ। यो के है? यो थर्मामीटर है। फिर इसको निकालेगा कौन? अब ये निकलेगा नहीं, तीन चार दिन का भीतर ही रहेगा। नहीं बैजी ऐसा काम मत करो। के बात निकालो है? निकालो महाराज। के बात है? यो जगह पकड़ो। यो मेरा ससुरा बहुत सेट हो। नहीं कोशिश करो, थोड़ी मदद करवाओ। हाले महाराज। हाँ बुखार बहुत ज्यादा है। ज्यादा है? कितना है? 6.5 किलो। बुखार 6 किलो में नहीं होता है तो? नहीं सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, चलो मैं क्या इंजेक्शन लगा देता हूँ। हाँ रानी को इंजेक्शन लगाना था, तुमने बांदी को लगा दिया। तो महाराज आ गया या आगे? आगे कोई आ जाए उसके ही। उसके ही? कोई बात नहीं। बहुत मोटी सुई ले रहा डॉक्टर। या तो छोटी से छोटी लगाई मोटी सुई लगा दे तो तू भीतर न बढ़ जाती। यू बता कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा? कोई गड़बड़ी को नहीं करे, तीन चार दिन में छट जाएगी। मतलब दस्त लगेगा? दस्त लगेगा। ठीक है रानी की इलाज करो जल्दी। ठीक है
गीत बीच माँ के फैसी है बेची बोलगी रानी बोलगी आए मेरी माँ बोलगी तो बात दिया ने बात छोटो जाऊंगो रानी आत्म देवी रानी आत्म देवी ए रसाच बता ए आत्म रानी ए क्यों मन माड़ा कर रही से कुणसी चिंत्याहूर आज मेरे हरजी ने खाड़ा कर रही से पूंजी लाके ओ जगत सेठ ते ये चले जा मूर्ख खोके हर सत चित आनंद और रटे नहीं पई पल्ले बंधे फिरे मोके और हविस खोपड़ी कद भरती ना यो हार लिया जग तो के कितने के चले गए दुनिया ते अरे मारे तेरे किसे हो के कितने के चले गए दुनिया ते मारे तेरे किसे हो के रानी आत्म देवी रोने का कारण क्या है? क्या तुम्हारे पास में किसी चीज की कमी है? धन दौलत की कोई कमी नहीं है, फिर भी आंसू दिखा रही हो? और मेरी समझ में ना आवे तू फिक्र करे से परी किशा कुटीर जवान उम्र में तू चेहरा रखे मरी किशा ये मन साही कद बढ़ती ना दिल कर बज्र की ए शरीर की नारद परिये ये फिरे भटकते यो रूप मांग के हरी किसा ओ नारद परिये फिरे भटकते रूप मांग के हरी किसा और गोपी चंद मरथरी किसा क्यों देश लकाड़ा और खररी से जी
ने खड़ा कर ली से कभी हमें जवा होंगे जाने कहा होंगे हो लेके जहां होंगे वहां फरिया करेंगे तुम्हें याद करेंगे जब हम जवा होंगे जाने कहा होंगे रानी आतम देवी आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा बात क्या है रोने का कारण क्या है उस भगवान के भजन कर ले रानी हमारे बड़े बुजुर्गवान कहते आए हैं कि साथ अगर चलेगा तो भगवान का भजन चलेगा और कुछ साथ नहीं जाएगा परमेश्वर के ए भजन बिना कदे अटता घोर अंधेरा ना ए सूरज के प्रकाश बिना रानी होता कदे सवेरा ना हर जीते जुखी ए मेर तेरे मरे पाछे मिनट बसेरा ना सूक्ष्म जीव चल्या जा खोड़ते फिर कोई तेरा कोई मेरा ना सूक्ष्म जीव चला जा खोड़ते कोई तेरा कोई मेरा ना ए रे तुम ते पी ए मेरा ना तू क्या ए तेरा ना ओ खरही से अरे खरसी चिलता परमेश्वर से तूने वचन भरे थे लेकिन यहाँ आकर के इंसान मैंने भी भरे थे और इन सब ने भरे थे लेकिन बाहर आकर के इंसान मोह माया में भगवान को भूल जाता है उसके भजन करने चाहिए के बताया गुरु जी ने नंबर चार में रपण में सरते हे वचन भरे थे अरे भूल गई रानी आके जो कुछ कया सो कर्या नहीं पछतावेगी उस घर जाके ये सत्य चित्त आनंद प्रभु का हे ध्यान लगा चित लाके गुरु चंद्र लाल रोवे मत रानी हे गीत फिक्र के गा गा के गुरु चंद्र लाल रोवे मत रानी गीत फिक्र के गा गा के काया गढ़ कोट किला डके क्यों रगत वाड़ा कर ही से परमेश्वर से वचन भरे थे भूल गई रानी आके जो कुछ कया सो किरा नहीं पछतावेगी उस घर जाके हे सत्य चित्त आनंद प्रभु का ध्यान लगा हित चित लाके गुरु चंद्र लाल रोवे मत रानी गीत फिकर के गागा के कायागढ़ कोट किला डाके क्यों घर गतवाड़ा कर रही से कौन सी चिंता हूरे आज तेरे जीने खड़ा कर रही से रानी आतम देवी आखिर बात क्या है महाराज मेरा के चीना से के बात ये दुनिया वाले इस गांव वाले और मने खूब तने देवे से महाराज मेरा जीना आराम कर रखा से तने दे और के महाराज
कुछ कहना चाहती हो? कालियो मेरा समदिया वाशिंग बिता ने दे रहा था, बोले इस बांजड़ी का तो मुंह देखण का धर्म को ना बता महाराज मैं कितमो दिखाऊं। काल बागोत में भी जिक्र हो रहा था, श्री राम बागोत जी कह रहे थे, बोले बूढ़ी होगी को रांड का बूंड जोड़ भी को या ना। श्री राम साहब कह रहे हा और कौन कहेगा गांव में यो ये मानस है कहने वाला मेरे जचे नहीं ना थारे क्यों जचेगी तारा मुंह पकवेगा जब जचेगी महाराज। कुछ कहना चाहती हो? अरे महाराज यो छोटे लाल जी से ना सेड़ंग वाला हाँ। यो तो मन सुबह देख के मुंह फेर लिया ने बोला यो जासा पांच और... मेरे छाती में तीर सा लगे से महाराज थाने देख के मुंह फेर लिया और के पर तू नहीं सोचे यो मने देखता रहे तू मुंह क्यों फेरे पाछो करया करी। सुनो महाराज कुछ कहना चाहती हो? वो भी राजी तू भी राजी ला 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 आत्म देवी तेरी बात ने चितवन कर दिया मेरा। और सुनो महाराज मेरी बात इको कब करेगी? सारे ऑपरेटर बनो हो यार कमाल कर दिए। पति देव चित्ते मेरा पंग रहे से झूठी ममता झूठी ममता और मैं फुश रानी क्यों इतनी ही तंग रहे से बाल कहते खुशी अंग रहे सयो ग्रस्ती का घर डेरा फेर बिना बाग कुछ मिलता ना दुनिया में बाल बटे
सा महाराज रखड़ जा और के महाराज हेरा बेटे आड़ा दिक्का बेटे आड़ा बेटे आड़ा फिकर जिगर ने चूट चूट खावे से हेर भरम जाल मैं ओए खुश कह रानी तू क्यों सदमे ठावे से मेरे समझ में आवे जानो कित कोलू कुआ जेरा महाराज आस बोला दे आस बोला दे बिन मानसिका के दुनिया में साझा एर झूठी दुनिया झूठी दुनिया मैं रानी सबू यो झूठा मेल मुला जा करो दूसरा बिहारा जसुत बिना किसरेन बसेरा एर दूसरे ब्यात भी छोरा होना एर क्या किस्मत का बेरा एर पुत्र बिना भरे तार पहले हमारे आदरणीय दादाजी धर्मपाल जी बसई से 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये हमारे आदरणीय श्रीमान जी कृष्ण जी सेलंग से 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। 100 रुपये हमारे भाई साहब इधर से, क्या नाम भाई, 100 रुपये से रागनी पे खुश होकर के मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। ये कौन आ गई है तेरे रूपा ममता बेटे पजू हर की प्रीत भगत में भक्ति भाव भजन कर रानी आवेंगे काम यगत में गुरु चंद्र लाल कह फिकर जगत में चित का चोर लुटेरा तोड़ दे मोहम्मद का घेरा
के गया माखी ममता, माखी ममता बेटे पे जुहर की प्रीत भगत में। हे भक्ति भाव भजन कर रानी, तेरे आवेंगे काम अगत में। गुरु चंद्र लाल फिकर जगत में, चित का चोर लुटेरा। कर ईश्वर का भजन तोड़ दे मोह ममता का घेरा। किसने भजना उड़े से महाराज, महाराज मैं तो मरूंगी कि तक कुआ जे रम पड़ के महाराज। सुन ले, खीमस दादे के श्री चरणों में हाजिरी लगा दे और माता रानी तेरी एक साल में छोड़ देगी महाराज। हाँ, अगर दुनिया में कोई बीमारी बनिया तो उसका इलाज जरूर बना महाराज। ठीक बात है, मैं आपको एक युक्ति बतलाती हूँ महाराज। युक्ति? जी महाराज। बताओ क्या युक्ति है महाराज। मेरे भाई साहब श्रीमान जी रमेश जी बसई से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई श्रीमान जी परमानंद जी 100 रुपए को माता के नाम से 100 रुपए पार्टी के नाम से प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में हमारे गुरु महाराज संत शिरोमणि गौ भक्त गुरु गोवर्धन दास जी महाराज हमारे बीच में अपने दलबल के साथ में पहुंचे हैं। बोलो बाबा गोवर्धन दास जी महाराज की जय, श्री गौ माता की जय। जिनके सानिध्य में गौशाला, जिनके कर कमलों द्वारा संचालित ये श्री श्याम गोपाल गौशाला नौरंगाबाद राजपूतान, और यही गौशाला नहीं गुरु जी के कर कमलों से 52 गौशालाएं चल रही हैं, 52 गौशालाएं। और 52 गौशालाओं में हर जगह गुरु महाराज जाते हैं, बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर पधारने पर। एक बार हमारे गुरु महाराज के नाम से जोरदार ताली बजा दो महाराज। कहो। क्या अयोध्या पति जो महाराज दशरथ जी थे, उनके घर में क्या पहले कोई संतान थी? नहीं नहीं ना महाराज, उन्होंने श्रृंग ऋषि को बुलवा करके अपने घर में पुत्रष्टि यज्ञ करवाया था। अच्छा, आप और हम तो एक पुत्र के लिए तरसते हैं, उनके घर में तो महाराज 4 पुत्र हुए थे, 4। कहने का मतलब महाराज, आप भी किसी अच्छे से विद्वान पंडित को बुलाइए और अपने घर में पुत्रष्टि यज्ञ करवाइए महाराज, क्या पता माता रानी हमारी पुकार सुन ले महाराज। ये रामपुरा नगर शिरोमणि गो भक्त बाबा गोवर्धन दास जी महाराज, संत शिरोमणि गो भक्त बाबा गोवर्धन दास जी महाराज अपने इन बच्चों के नाम से क्या देते हैं? करो 500 रुपए का दान नगर में। आनंद करियो दे और अर की महाराज अपता है, ढोलक तारे बीच चंद्रमा नहीं छुपाए छुपता। ये खेड़ी नगर झूले के बैसो, जहां से हमारे आदरणीय हनुमान जी हलवाई साहब, हनुमान जी हलवाई साहब आए नहीं, कोई काम हो गया। 1100 रुपए गो माता के नाम से, 1100 रुपए गौ माताओं के नाम से, 1100 रुपए अपनी पार्टी के नाम से, 1100 रुपए अपनी पार्टी के नाम से। है रानी आतम देवी जी महाराज, जैसा भी तुमने कहा जी, मैं ब्राह्मणों को बुला करके और पुत्री अष्टि यज्ञ करवाता हूँ। ठीक है महाराज। मैंने कहा दादा, मैंने कहा महाराज जय प्रणाम जय प्रणाम जय प्रणाम। दादा बोलो,
क्या बोलूं? आपने मेरे को किस लिए याद किया महाराज साहब? हाँ दादा, हाँ रानी आतम देवी के चौथा बना चुका है। अच्छा जी, लेकिन आज तक रानी को कोई संतान नहीं हुई। यानी आज तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई? हाँ। तो फिर रानी की हस्तरेखाएं देखिए। आओ आओ रानी साहब, के बात है, लंगड़ारी कैसे हो? प्रणाम दादा, मैं तो रात से ही बीमार चल रही हूँ दादा। ओहो, चोट गहरी लाग रही है? और के, यो चोट छोटी हो से। ठीक बात महाराज, आप ये देख रहे हो ये रेखा है? हाँ ये रेखा है, ये धन की रेखा है, ये हाँ धन रेखा। अब ये जो रेखा चल रही है ये हाँ। संतान रेखा, ये यहां से चलते 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 बीच में आकर और पाटी है। बोलो रेखा। पाटी कहने का मतलब? कहने का मतलब महाराज साहब, रानी साहब के पुत्र नहीं होगा। हैं? रानी के पुत्र नहीं होगा? रानी साहब के भाग में पुत्र नहीं है। धन बहुत है। अच्छा, लेकिन तो फिर पुत्र नहीं है। आप दिखाओ। क्या बात है, आपके भाग में एक पुत्र की रेखा बोलती है, एक पुत्र होगा आपको। एक पुत्र होगा? हाँ। फिर के मेरे होगा वो? नहीं नहीं नहीं, आपके भाग से रानी साहब के होगा। कहने का मतलब औरत के भाग का धन लक्ष्मी होता है। हाँ जी। और मर्द के भाग का पुत्र होता है? पुत्र होता है। तो आपके भाग प्रताप से रानी साहब को एक बच्चा हो। कोई जतन? यतन ये है कि आप यज्ञ हवन करवाओ। ठीक है दादा, न्यू बता। हाँ। सामग्री के चाहोगी? सामग्री तो महाराज घनी बहुत चाहोगी। हाँ जो भी ये बता दे। आपका मुनीम लिखेगा ना, तभी लिख लोगा? मैं लिख लूंगा। लिख लोगा? हाँ। तो आप लिखो 50 मण दूध। 50 मण दूध? हाँ जी। अच्छा ठीक है, आ जाएगा। 50 बीघा आ जाएगा? क्या आ जाएगा? दूध। ऐसे कैसे आ जाएगा? तो कैसे? आजकल अमेरिकन का आ रही है, बेकार। देसी गऊ का? देसी गऊ का दूध होना चाहिए। ठीक है महाराज। अच्छा जी, दूसरे नंबर 5 बोरी आटा। 5 बोरी आटा? इतने आटे को क्या करेगा? अवध में चाहे कुंडबा जी मैगा, शहर जी मैगा, मानोगे कि नहीं? मानेगा, तेरी बात भी और आगे बोल। अच्छा, एक कट्टा हल्दी। हल्दी क्या करेगा? 12-13-14 हम ब्राह्मण बैठेंगे उनमें। हाँ। और उन्हें 20 का खूब रगड़ के। अच्छा। और सारा पीड़ा होकर बैठाना। क्यों? जो तने ढूंढना को नहीं पड़े। अच्छा, भगवान की कृपा से वही बच्चा हो, वो वही लेट सेट हो जाए तो तमने ताउल हो रही कई बचाइए। और 8 बोरी घी। 8 बोरी घी है? घी वो बोरी में? बोरी में आप समझे नहीं, कनस्तरों में होगा, और वो कनस्तर बोरियों में होगा, और बोरिया का टांका लगवा के हमारा घर भेज दो। ठीक है दादा, सारा सामान पहुंचेगा। लेकिन एक बात और है खतरे की। हाँ। 5-6 दुकान में जाकर खूब अच्छी तरह ट्राई मारियो के भाई घटिया चीज नहीं देते। एक मटिया तेल को पीपो। दादा हवन में मटिया तेल का क्या काम से? वो मनस्त्रा चाहे। क्यों भाई? मैं सही मंत्र बोलूं और 5-6 जो मंत्र मन ध्यान दे भाई, बच्चा उनमें भिगन डाल दे और भगवान की कृपा से इतना खतरा खर्चा लाग गया, बच्चा ना हो तो राजा जोगी अगन जलन की उल्टी रीत, बसते रहियो परशुराम ये थोड़ी बाले प्रीत, न जाने के सजा दे दो तारी सजा से पहले और हम तो बढ़ के मरा। नहीं पंडित जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं। तो ठीक है, आप बैठो, मैं मंत्र बोलता हूँ। ठीक है। प्रेमी सजनों, पुत्र अष्टि यज्ञ ब्राह्मणों ने कर दिया 9-10 महीने के पश्चात उस यज्ञ के प्रताप से, और राजभवन में सुंदर राजकुमार जन्म लेता है। बांदी बधाई लेकर के आती है, सुनिए राजा के पास में कैसे क्या कहती है। महाराज बधाई है, बधाई है, बधाई है। हाँ बधाई है, बधाई है। महल महल के माँ एक भैंस ब्याई है। भैंस नहीं ब्याई है, रानी के छोरा हुआ है। आओ बांदी जी महाराज। कैसी बधाई है?
रानी के छोरा हमारा, हमें राजकुमार हुआ है जी। वाह वाह वाह, हम बड़े प्रसन्न हैं। बानी जाओ, गरीबों के अंदर दान बांटो और महल में नाच गान होने दो। बिल्कुल, धरती कांव को बुलाओ और तुम भी नाच दिखाओ। जगदीश भाई,